पति की मौत के बाद मुस्कान और उसके 20 साल के बेटे सलमान के जीवन में एकदम से अंधेरा छा गया था। दोनों माँ बेटे अपने छोटे से घर में बैठे रो रहे थे। अम्मी, आप रोते क्यों हो? मैं हूँ ना आपके साथ। सलमान बेटा, तेरे अब्बू की कमाई से ही हमारा गुजारा होता था। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम इस घर का किराया कैसे देंगे? घर में राशन, लाइट बिल, मेरी दवाई, ये सब कैसे लाएंगे? अम्मी, मैं कमाऊंगा ना पैसे, मैं बाहर जाकर कोई काम करूंगा। मुस्कान का पति अल्ताफ घर में एकमात्र कमाई का जरिया था, क्योंकि सलमान तो कोई काम ही नहीं करता था, ना उसने पढ़ाई की थी। अब सलमान के अब्बू तो इस दुनिया में नहीं थे। सलमान अपने घर से बाहर आता है और गांव में काम की तलाश में घूमता है। तभी सलमान को उसका बचपन का दोस्त नाजिम मिलता है। क्या करूं यार नाजिम, कैसा मैं अपने परिवार का गुजारा करूं अब? अम्मी की तबीयत के बारे में तो तू जानता ही है ना, अगर उन्हें समय रहते दवाई नहीं मिली तो उनकी तबीयत में कितना बिगाड़ आ सकता है, और अभी तो अब्बू के जाने से अम्मी काफी सदमे में है। देख सलमान, तुझे इस गांव में तो कोई काम नहीं मिलेगा, तू एक काम कर, कोई कारोबार कर ले। क्या कारोबार करूं, कारोबार करने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना, यहाँ तो जेब में एक पैसा भी नहीं है। चल ठीक है, हम कोई काम देख कर आते हैं। दोनों मिलकर गांव में काम की तलाश में घूमने लगते हैं, पर सलमान को कोई काम नहीं मिलता। तभी दोनों उदास होकर घर आते हैं। क्या हुआ सलमान बेटा, कोई काम मिला? नहीं अम्मी। अच्छा ठीक है, जाओ तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना ले आती हूँ, मैंने आज मटन के पकोड़े बनाए हैं। सलमान और नाजिम दोनों हाथ मुंह धो लेते हैं। तभी मुस्कान मटन के पकोड़े ले आती है और दोनों को देती है। तभी नाजिम और सलमान दोनों पकोड़े खाते हैं। अरे वाह बड़े अम्मी, आपने कितने अच्छे मटन के पकोड़े बनाए हैं। हाँ नाजिम बेटा, ये तो कुछ भी नहीं, सलमान तो मुझसे भी अच्छे मटन के पकोड़े बनाता है। इसके अब्बू ने ही हमें मटन के पकोड़े बनाने सिखाए थे। अच्छा, अरे सलमान, तेरे पास इतना अच्छा हुनर है और तू बेवजह गांव में काम की तलाश में घूम रहा है। अरे तू अपने हाथों से मटन के पकोड़े बनाकर गांव में बेचना, आजकल तो ये चीजें कितनी चलती है। हाँ सलमान बेटा, नाजिम सही कह रहा है। अम्मी, उसके लिए एक ठेला चाहिए, पास में सामान चाहिए, और हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। बेटा पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम किसी से कर्ज लेकर ये कारोबार करते हैं ना, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम कर्ज लौटा देंगे। अम्मी पता है ना अब्बू क्या कहते थे, कि कर्ज लेना अच्छी बात नहीं है, अगर हम वो कर्ज लौटा नहीं पाए तो। हाँ बेटा, कर्ज लेना अच्छी बात नहीं है, पर अगर किसी अच्छे काम के लिए कर्ज लेना पड़े तो उसे लेने में कोई हर्ज नहीं है। तुम एक काम करो, नाजिम के साथ आदिल भाई साहब के घर जाओ, वो तुम्हारे अब्बू के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, वो तुम्हें पैसे जरूर देंगे। सलमान नाजिम के साथ आदिल के घर आता है और आदिल से कुछ पैसे उधार लेकर 2 से 3 दिन में ही अपनी एक मटन पकोड़े की छोटी सी दुकान खोल लेता है। पहले दिन सलमान अपना ठेला लिए गांव के चौराहे पर खड़ा था। पैसा तो सारा दुकान में लगाने में खर्च हो गया, बस अब कमाई भी होने लगे ताकि मैं जल्दी आदिल चाचा के पैसे लौटा सकूं। सलमान के पास अब तक कोई ग्राहक नहीं आया था। ये समय सलमान के लिए कड़े इम्तिहान का समय था। अगर उसका ये कारोबार नहीं चला तो वो आदिल को पैसे कैसे दे पाएगा, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सवेरे से रात हो जाती है पर सलमान की दुकान में कोई ग्राहक नहीं आता। ये देखकर सलमान निराश होकर अपने घर चला आता है। क्या हुआ सलमान? अम्मी, एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। आएगा बेटा,
जब हम किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं ना, तो उस काम में हजारों रुकावटें परेशानियां जरूर आती हैं, पर हमें उन परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करके आगे बढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी अम्मी की बात सुनकर सलमान को बहुत हिम्मत मिलती है। अगले दिन सवेरे सलमान फिर से अपना ठेला लेकर गांव में आता है और कई सारे मटन पकोड़े बनाकर तैयार कर देता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से कई सारे लोग सलमान की दुकान के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, मटन पकौड़े की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अरे भाई, कैसे दिए ये मटन पकौड़े? 30 रुपए प्लेट है साहब मटन पकौड़े। अच्छा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, जरा एक प्लेट पकौड़े देना। सलमान राजा को एक प्लेट मटन पकौड़े देता है। राजा जैसे ही उन्हें खाता है, आ, बड़े स्वादिष्ट है ये मटन पकौड़े तो। भाई एक प्लेट और देना ना पकौड़े, बारिश में मटन पकौड़े खाने में तो बहुत ही मजा आ रहा है। सलमान राजा को एक प्लेट पकौड़े और देता है। राजा को पकौड़े खाता देख वहाँ खड़े सारे लोग सलमान के पास आते हैं और 30 रुपए प्लेट के हिसाब से सलमान के मटन पकौड़े खाने लगते हैं। करीब 30 मिनट के अंदर ही सलमान की 1000 रुपए की कमाई हो जाती है। सारे लोग मटन पकोड़े खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी 1000 रुपए की कमाई हो गई। बस इसी तरह मेरे पास ग्राहक आते रहे और इसी तरह मेरी कमाई हजारों में होती रहे। किसी ने सच ही कहा है, जिसके साथ माता पिता की दुआ हो ना, वो कभी जीवन में कमजोर नहीं पड़ सकता। आज सलमान भी अपनी अम्मी की दुआ से कामयाब होता नजर आ रहा था। धीरे धीरे सलमान का कारोबार इतना चलने लगा कि कुछ ही दिनों में सलमान के हाथ के मटन पकौड़े उस गांव में फेमस हो गए। सलमान की दुकान में अब ग्राहकों की इतनी लंबी लाइन लगी रहती थी कि सलमान को अपनी दुकान में पानी पीने तक का समय नहीं मिलता था। सलमान के इस कारोबार से सलमान और मुस्कान की सारी गरीबी दूर हो जाती है और धीरे धीरे उनके अच्छे दिन आने लगते हैं। एक दिन रात में, अम्मी मैं सोच रहा था कि मटन पकौड़े के दाम बढ़ा दूं। वैसे भी अब रोज के कितने ग्राहक आ रहे हैं मेरे पास, अगर मैंने पकौड़ों के दाम बढ़ा दिए तो मेरी कमाई भी अच्छी होगी और हमारे पास पैसा भी डबल आ जाएगा। नहीं सलमान बेटा, इतने दाम में भी तो हमारी कमाई अच्छी हो रही है ना, तुम लालच में आकर पकोड़े के दाम मत बढ़ाओ। हमें अपने साथ साथ अपने ग्राहकों का भी ख्याल रखना चाहिए। सोचो, अगर तुमने पकोड़े के दाम बढ़ा दिए और अगर किसी मजबूर के पास उतने पैसे नहीं रहे तो वो कैसे खा पाएगा पकोड़े? 30 रुपए दाम सही है बेटा। अपने अम्मी की बात सुनकर सलमान सो जाता है। अगले दिन सलमान के पास कई सारे ग्राहक आते हैं। तभी नाजिम वहां आता है। अरे नाजिम, यार मैं सोच रहा था कि पकौड़े के दाम बढ़ा दूं। देखना अब तो ग्राहक भी कितने आ रहे हैं मेरे पास। 30 रुपए के हिसाब से बहुत कम कमाई हो रही है मेरी, पर अम्मी ये बात मान ही नहीं रही। सलमान, तुम्हारी अम्मी सही कह रही है, तुम कारोबार में लालच मत करो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। थोड़े समय के बाद नाजिम वहां से चला जाता है। सवेरे से दोपहर तक 30 ग्राहकों ने आकर मटन पकोड़े खाए मेरे पास। अगर मैं उन्हें 60 रुपए दाम से एक प्लेट पकोड़े बेचता तो मेरे पास डबल का पैसा आ जाता था। अम्मी और नाजिम को समझ क्यों नहीं आ रहा? नहीं, मुझे उनकी बात नहीं सुननी है। मैं काम करता हूँ, पकोड़े के दाम 60 रुपए प्लेट कर देता हूँ, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है। इतनी कमाई देख कर सलमान के मन में लालच जाग जाता है और वो उसी समय पकोड़े के दाम 30 रुपए प्लेट से 60 रुपए प्लेट कर देता है। थोड़े समय बाद कुछ लोग वहां आते हैं तो वो 60 रुपए दाम देखकर बिना पकोड़े खाए वहां से चले जाते हैं। शाम तक केवल 2 ही ग्राहक बड़ी मुश्किल से आकर पकोड़े खा पाते हैं। रात का समय सलमान घर आता है। अरे सलमान बेटा, आज इतनी कम कमाई हुई। अगर मैंने अम्मी को पकौड़े के दाम की बात सुनाई तो अम्मी नाराज हो जाएंगी। नहीं,
मुझे ये बात छुपानी होगी अम्मी से। हाँ अम्मी, आज ग्राहक बहुत कम थे। इतना कहकर सलमान खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन से सलमान के पास जो भी ग्राहक आता था, वो पकोड़े के दाम 60 रुपए प्लेट सुनकर बिना पकोड़े खाए वापस चला जाता था। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। सलमान के पास अब एक भी ग्राहक नहीं आता है। एक दिन सलमान अपनी दुकान में था। ये क्या हो रहा है? जब से मैंने पकोड़े के दाम 60 रुपए प्लेट किए, मेरे पास तो एक भी ग्राहक पकोड़े खाने नहीं आ रहा। कहीं मैंने पकौड़ों के दाम बढ़ाकर गलती तो नहीं कर दी? सलमान को भी धीरे धीरे अपनी लालच समझ आ रही थी, पर वो उसे अलग ही नजरिए से देख रहा था। देखते ही देखते रात हो जाती है। सलमान आज भी निराश होकर घर जाता है और अपनी अम्मी को सारी बात विस्तार से बताता है। क्या? मैंने तुम्हें मना किया था ना सलमान, कि तुम कारोबार में लालच नहीं करोगे। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, ज्यादा ग्राहक देखकर मैंने पकौड़े के दाम बढ़ा दिए, ये सोचकर कि मेरी कमाई ज्यादा होगी, पर वो तो उल्टा हो गया। अब तो मेरी एक भी पैसे की कमाई नहीं हो रही है। सलमान, तुम कल ही पकौड़े के दाम वापस से 30 रुपए प्लेट करोगे। अगले दिन सलमान वापस मटन पकौड़े के दाम 30 रुपए प्लेट कर देता है, फिर भी उसके पास ग्राहक नहीं आते। तभी सलमान की नजर सामने एक दुकान पर पड़ती है, जहां कई सारे लोगों की भीड़ जमा थी। ये देखकर सलमान वहां जाता है, तो वहां एक कालू नाम के व्यक्ति ने मटन पकोड़े की दुकान खोल दी थी, जिसमें वो 20 रुपए प्लेट मटन पकोड़े बेच रहा था, और लोग प्लेटें भर भर के उसके पास पकोड़े खा रहे थे। ये देखकर सलमान वापस अपनी दुकान में आता है और रात तक केवल मक्खियां उड़ाने का काम करता है। आज भी उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आता। ये क्या कर दिया मैंने? लालच में आकर मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। 30 रुपए प्लेट पकोड़े के दाम करने के बाद भी कोई मेरे पास नहीं आ रहा। उतने में वहाँ कालू आता है। क्या हुआ सलमान, अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है? अच्छा भला तुम्हारा कारोबार चल रहा था, 1000-2000 की रोज कमाई हो रही थी तुम्हारी। ना तुम ज्यादा पैसों का लालच करते, ना अपने पकौड़े के दाम बढ़ाते, और ना तुम्हारा कारोबार बंद होता। अब अगर तुम मुफ्त में भी मटन पकौड़े बेचोगे ना, फिर भी लोग तुम्हारे पास पकौड़े खाने नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों ने तुम्हारी सोच को पकड़ लिया है कि तुम एक लालची इंसान हो। आप सही कह रहे हैं कालू भाई, ये सब मेरे लालच के कारण हुआ है। सलमान देखो, मेरी दुकान में तो ग्राहक बहुत आ रहे हैं और मैं कभी लालच नहीं करता, इसीलिए मैं हमेशा अपने पकौड़े के दाम 20 रुपए प्लेट ही रखूंगा। क्या तुम मेरी दुकान में पकौड़े बनाने का काम करोगे? मैं तुम्हें रोज के 200 रुपए मजदूरी दिया करूंगा। ये सुनकर सलमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और अब वो करता भी क्या। अगले दिन से सलमान अपनी दुकान बंद करके कालू की दुकान में मजदूरी करके पकौड़े बनाता है। तो देखा आप सबने कैसे मैंने लालच किया और कैसे मेरे हाथों से कारोबार गया। इसीलिए आप कभी भी लालच नहीं करना, जितना मिले हमेशा उतने में खुश रहना, क्योंकि लालच इंसान को बर्बाद करके रख देती है, जैसे मुझे की है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार अगली कहानी में। तो जब तक खुश रहें, मस्त रहें।